सास के लिए छठ पूजा का व्रत करती हैं नेहा मर्दा। नेहा की कर्णा प्रसाद की तस्वीरें देख फैंस ने की संस्कारों की तारीफ। सोलह श्रृंगार कर टीवी की गहना वींदनी ने की छठी मैया की पूजा। इस समय देश भर में छठ पूजा की धूम है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और समापन सप्तमी के दिन। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रख कर डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल छठ पर्व 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक रहा। आम जनता से लेकर कई स्टार्स हैं जो इस महापर्व को मना रहे हैं। इस लिस्ट में टीवी की गहना वींदनी यानी कि एक्ट्रेस नेहा मर्दा का नाम भी शामिल है। हर साल की तरह इस साल भी हसीना ने छठ पर्व मनाया। नेहा ने कर्णा प्रसाद के दिन की कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है जो इस समय चर्चा का विषय बनी है। सामने आई तस्वीरों में नेहा ग्रीन कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं। इस साड़ी के साथ उन्होंने रेड दुपट्टा भी लिया है जिससे उन्होंने सर को कवर किया है। चोकर, नेकलेस, झुमके और चूड़ियां नेहा के लुक को पूरा कर रहे हैं। नेहा ने नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाया है। तस्वीर में नेहा छठी मैया की पूजा करती हुई नजर आई हैं। नेहा की तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस उनकी इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं। नेहा का 16 श्रृंगार देखकर फैंस खुद को उनकी तारीफ करने से रोक ही नहीं पा रहे हैं। हाल ही में पर्व मनाने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए नेहा ने बताया था, मैं ये नहीं बता सकती कि छठ पूजा मेरे लिए क्या मायने रखती है। ये आपको असीम शांति प्रदान करती है और सूर्य देव की पूजा करने से आपको शक्ति, प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। ये अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना सिखाता है और इसमें एक शक्ति है। मैं अपने और अपने प्रियजनों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रार्थना करती हूँ। मूल रूप से मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाली नेहा ने 2012 में बंगाली मारवाड़ी व्यवसायी आयुष्मान अग्रवाल से शादी की थी। अग्रवाल का परिवार लंबे समय से बिहार के पटना में रहता है। नेहा ने बताया था, मैंने कोलकाता सहित कई जगहों पर लोगों को बहुत धार्मिक तरीके से पूजा करते हुए देखा है और शादी के बाद मैंने पटना में हर दूसरे परिवार को छठ पूजा मनाते हुए देखा है। नेहा ने बताया, मैंने कभी पूजा नहीं की थी, लेकिन जब मेरी सास बहुत बीमार थी तो अंदर से आवाज आई कि अगर वो ठीक हो जाती है तो मैं ये पूजा जरूर करूंगी, और ठीक ऐसा ही हुआ, इसलिए ये मेरा दूसरा साल होगा। नेहा को अपने परिवार और समुदाय के मार्गदर्शन से शक्ति मिलती है। खैर, छठ पूजा मनाते हुए नेहा मर्दा ने सोशल मीडिया पर जो फोटोज शेयर की हैं उसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं और फैंस भी इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, U24।